वेलकम टू फूडीज बसेरा। आज के वीडियो में मैं आपको रुमाली रोटी बना के दिखाऊंगी और ये इतनी सॉफ्ट और इतनी टेस्टी बनती है और इतनी इजीली घर पे बन जाती है कि आप अपनी फेवरेट ग्रेवी, चाहे वो पनीर हो या चिकन ग्रेवी हो, उसके साथ आप इसे खुद घर पे बना के एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम जब भी बाहर से मंगाते हैं वो बहुत हार्ड हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे बनाना है, डो बनाने के लिए मैंने एक बड़े बोल में लिया है 1.5 कप मैदा और मैंने इसमें थोड़ा सा मिलाया व्हीट फ्लार। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो हाफ व्हीट फ्लार ले सकते हैं, आधा मैदा या पूरा मैदा भी ले सकते हैं। इसको पहले मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है और मैंने थोड़े से पानी में 1 चम्मच शक्कर डाली थी और उसको ऐसे घोल लिया है। जितनी भी घोलेगी ये भी हम इसमें डाल देंगे। उससे पहले मैंने यहाँ डाला है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है घी। अब जितनी भी शक्कर घुली थी इसका पानी हम डाल देंगे। इसकी मिठास रुमाली रोटी में अच्छी आती है, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो आप डायरेक्ट उसे भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि नमक और घी अच्छी तरह से आटे में मिल जाए। और मैंने दूध लिया है, ये थोड़ा सा गुनगुना है, हल्का सा गर्म दूध है। इससे आटा सानेंगे। इसका जो डो होगा थोड़ा सा स्टिकी बनाना है, जो रोटी का डो होता है उससे ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके दूध मिलाते जाएंगे और इसके डो को एकदम स्टिकी बनाएंगे। डो को काफ़ी फाइन बनाना है इसलिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है। डो बन के रेडी हो गया, इसको ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। रुमाली रोटी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है और साथ में ऐसे 3 कटोरियां रखी हुई है ताकि जो कढ़ाई है वो अच्छी तरह से इसमें बैलेंस हो जाए। कि अच्छी तरह से बैलेंस करते हुए मैंने ऊपर से रख दिया है। अब इसको प्री हीट कर देंगे। यहाँ पे फ्लेम मैंने स्लो पे रखी है, तो जब तक ये गर्म हो रही है रोटी बेल लेते हैं। देखिए डो अच्छी तरह से रेडी हो गया है और काफ़ी सॉफ्ट है। एक बार इसको और मैं अच्छी तरह से मसल रही हूँ। उसके मैंने पार्टीशन बना लिए हैं और जितना भी बड़ा आपको डो बॉल चाहिए हो आप अपने हिसाब से काट लीजिए। एक मैंने यहाँ पे डो बॉल लिया है और उस पर ड्राई फ्लावर लगाते हुए रोटी की तरह ही इसको बेलना है, लेकिन इसको बहुत ही थिन हमको बनाना है। तो बस आप इसमें ड्राई फ्लावर लगाते जाइए और जितना भी थिन कर सकते हैं उसको उतना थिन हमको बनाते जाना, बेलते जाइए जब तक कि वो आपको ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे। अगर थोड़ी भी लगे आपको कि चिपक रही है तो बिल्कुल आप उसमें लगाते जाइए फ्लावर और बेलते जाइए। जितनी पतली ये बनेगी रुमाली रोटी उतनी ही अच्छी लगेगी। इसको बड़ा करते जाएंगे। अब दूसरी भी हम बेल के रख लेते हैं। ये जो मैंने डो बॉल ली थी ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी है। देखिए जब तक ये वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना दिखे तब तक मैं उसको और बड़ा करती जाऊंगी। स्पेशली इसकी जो बॉर्डर्स हैं उनको हमें थिन रखना, इस तरह से किनार से उनको बेलते बेलते उसको बड़ा करते जाएंगे। ये देखिए बनके रेडी हो गई है। अब हम इनको सेक लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक, नमक वाला पानी हम यदि इस गर्म कढ़ाई में डालेंगे तो ये रोटी जो है बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। इसे एक नॉन स्टिक वाला इसमें लेयर मिल जाता है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मैंने इस तरह से स्प्रिंकल किया है चावल। अब ये रोटी इसको डाल दी, जब उसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे उसको इस तरह से पलट देंगे। इसको बहुत ज़्यादा सेकनी नहीं है क्योंकि ये बहुत पतली रहती है और बहुत जल्दी बन जाती है। एक बार या दो बार इसको इस तरह से पलटेंगे। चाहे तो आप किसी कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं
बाकी ये ऑलरेडी इतनी पतली होती है और बहुत जल्दी बन जाती है, इसकी नीड नहीं होती है। इस तरह से फोल्ड कीजिए और इसको निकाल लीजिए। इसी तरह मैं दूसरी भी डाल रही हूँ, ये देखिए इसमें बबल्स आ जाएंगे। एक बार मैंने यहाँ पे फ्लेम स्लो कर दिया है और इसको भी एक बार पलट लूंगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है रोटी, अच्छी तरह से सीख चुकी है एक तरफ से। फ्लेम को मैंने रख दिया है मीडियम पे, इसको भी इस तरह से फोल्ड करते हुए निकाल लीजिए और गरम गरम सर्व कीजिए। रुमाली रोटी बनके तैयार हो गई है। जब भी आप इन्हें खाने वाले हो तभी इसको बनाइए, पहले से बना के मत रखिए। देखिए कितनी सॉफ्ट है और इतने आसानी से टूट जाती है, बहुत पतली है और बहुत टेस्टी लगती है। तो आपको जो भी आपको ग्रेवी पसंद हो, पनीर की या चिकन की, उसके साथ बनाइए और इन्जॉय कीजिए। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे सारे नए वीडियोज़ की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे।